नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने अपना नामांकन भरा। श्रुति चौधरी ने नामांकन में कांग्रेस नेता किरण चौधरी के साथ दिखाई दी। श्रुति चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज भी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद जनता से हमेशा बसते नजर आए। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। श्रुति चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी के पास राष्ट्रवाद को छोड़ करके और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, क्योंकि बीजेपी विकास के मामले में हमेशा पीछे रही है। जनता ने इनसे काफ़ी प्यार भी दिया है, लेकिन ये आज तक खड़े नहीं उतरे, लेकिन आज जनता हमें प्यार कर रही है। चुनाव जीतकर हल्के में काफ़ी लंबे समय से चली आ रही समस्त समस्याओं का निदान किया जाएगा और महेंद्रगढ़ भिवानी का विकास किया जाएगा। वहीं किरण चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं में चुनाव के लिए काफ़ी उत्साह है। ज़्यादातर सवाल शिक्षा और बेरोजगार से जुड़े आए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने शिक्षा में काफ़ी काम किया, वहीं भिवानी को अनदेखा कर 10 साल पीछे धकेल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 10-10 सीटें हरियाणा में कांग्रेस की आएगी। आप देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। देखिए, चुनाव है, सारी पार्टियां लड़ रही हैं, तो चुनाव तो मुकाबला है ही अपने आप। तो बीजेपी तो बिगड़ी पानी रोजगार छोड़कर सिर्फ राष्ट्रवाद का ही बता रही है। हाँ जी, बिगड़ी पानी रोजगार, क्योंकि उनके पास अपने कोई उपलब्धि और है ही नहीं। उन्होंने जनता में रह के कोई काम नहीं किया, तो इसलिए लोगों के सामने सारी बातें कर रहे हैं इधर उधर की। संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए क्या परियोजनाएं अधूरी हैं जिनको आप? बहुत काम है, पूरा हर क्षेत्र में विकास और प्रगति करना है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रेलवे लाइन का हो, चाहे पानी का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने का बात हो, चाहे हर तरफ कोई काम नहीं हुआ है और काम ही काम करने की ज़रूरत है। 5 साल में कोई भी प्रगति और कोई प्रोजेक्ट हमारे इस क्षेत्र में नहीं आया। NCR का बजट नहीं है, उस बजट को लाने के लिए किस प्रकार के प्रयास? बिल्कुल, NCR में मैंने ही शामिल करवाया था तमाम क्षेत्र को, और उसको उस काम को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले 5 साल में उसको रोक दिया गया उस काम को। वर्तमान सांसद उनसे आपका मुकाबला मानते हैं? चुनाव है जैसे मैंने कहा, और चुनाव तो मुकाबला ही है। आपने देखा, सबने, भिवानी के लोगों ने किस तरह से कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश और उत्साह था। हजारों की तादाद के अंदर लोग जो है आज 2-2.5 किलोमीटर तपती धूप के अंदर, जब लामनी का टाइम है, इतने सारे लोग आए श्रुति के नामांकन भरवाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लोगों में बहुत जोश है, और सब जानते हैं कि पिछले 5 साल में काम जो नहीं हुए हैं, आने वाले 5 साल में जहाँ पे प्रगति जो है बिल्कुल उसकी गति रुक गई थी, उसको आगे बढ़ाएंगे। मैडम जी, क्या कहेंगे बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है, उससे कैसे मुकाबला होगा, कैसे पार पाएंगे? बीजेपी के सब जुमले हैं, और 5 साल में बीजेपी ने जुमलों के अलावा कुछ दिया नहीं। लूट खसोट, जुमले और झूठ, ये बीजेपी की उपलब्धि है। और जब उनके पास कुछ रहा नहीं, तो अपना रिपोर्ट कार्ड जब है उसके अंदर क्या बोलें। तो इस तरह की बात जो है वो करते हैं, और सारे जनता जान गई है कि आज जो है 5 साल के बाद जो हालात हमारे भिवानी के अंदर हुए हैं, एक हमारे को कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। श्रुति ने जहाँ पे काम छोड़ा था वहीं का वहीं रहा है, बल्कि कहते और खराबा हुआ है। आज जो है इतना बुरा हाल हो रहा है भिवानी का, हम और पिछड़ गए हैं। तो हमारा ये संकल्प है कि आने वाले समय में श्रुति जीत के जब निकलेगी, तो वही प्रगति जो है जैसे हमने शुरू करी थी उसको।